हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निधिज किचन। आज हम बनाने वाले हैं कान्हा जी के स्नान के लिए और कान्हा जी के प्रसाद के लिए भी पंचामृत बहुत काम आता है। तो पंचामृत बनाने के लिए मैंने 5 चीज़ें ली हैं। मैंने लिया है कच्चा दूध, दही, गाय का घी, शहद और ये मैंने लिया पीसी हुई चीनी। तो इन 5 सामानों से हम आज पंचामृत बनाकर रेडी करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल लिया है। इसमें हम सबसे पहले डाल देंगे कच्चा दूध। गाय का हो तो और भी बहुत बेस्ट रहता है, गाय का नहीं हो तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें लिया है दही। दूसरे नंबर पर हमें इसमें दही मिक्स करना है। अब हम तीसरे नंबर पर हम इसमें मिक्स करेंगे गाय का घी 1/2 टेबल स्पून। अब हम इसमें मिक्स करेंगे शहद, 2 चम्मच शहद हमें इसमें मिक्स करनी है। और अब हम इसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डालकर इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो इसमें गंगा जल का यूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पंचामृत बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इससे आप कान्हा जी को पंचामृत अभिषेक करके स्नान करवा सकते हैं और आप उनको भोग भी लगा सकते हैं। कान्हा जी को माखन बहुत प्रिय है। अब हम इसमें तुलसी रखकर कान्हा जी की भोग के लिए हमने इसे रेडी कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।